ભારે વરસાદને કારણે ખેતી પાકોને નુકસાન થયું છે ત્યારે સરકાર પાસે ખેડૂતોએ સર્વે સાથે રાહત પેકેજની માંગ કરી છે। ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા કલેક્ટર મારફતે મુખ્યમંત્રીને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે। વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે જે પાણીનો ખેતરમાં ભરાવો થાય છે જેના કારણે જ પાકોને નુકસાન થયું છે। હાલ તો તેને રાહત પેકેજ આપવાની માંગ ઉઠી છે। જૂનાગઢ જિલ્લા સેવા સદન ખાતે સૂત્રોચ્ચાર સાથે ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા કલેક્ટર મારફતે મુખ્યમંત્રીને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું। किसान संघे मांग करी छे कि सरकार तात्कालिक सर्वे करावे, खेडूतोने नुकसान थयुं छे तेना माटे राहत पेकेज आपे। अगाउ पण सर्वे थयो होय परंतु हजु सुधी खेडूतोने कोई राहत नथी मळी, जेने लईने पण खेडूतोमां नाराजगी जोवा मळी रही छे। भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्टर मार्फते मुख्यमंत्रीने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। वरसादी पाणीनो खेतरमां भराव थाय छे, जे खेती पाकोने नुकसान थयुं छे तेने राहत पेकेज आपवानी पण मांग करवामां आवी छे। भारतीय किसान संघ गुजरात प्रदेश संयोजक मनसुख भाई पटोड़िया आज समग्र गुजरात की अंदर सतत वरसाद चालू है। आज 25 दिवसीय सतत वरसाद पड़े है। 100% ऊपर मानो कि जूनागढ़ 120%, माणावदर में 160% वरसाद वरसी रो है। आवी सतत वरसाद ने कारण जे खेती पाको खेडूतो वाव्या है, ये खेती पाको अत्यारे सदंतर निष्फळ जाय एम छे। कारण कि एमां कोईपण प्रकारनुं उत्पादन मळी शके एम नथी। तल होय, अड़द होय, मग होय, कपास होय, मगफळी होय, किसान संघ द्वारा आवेदन पत्र आपवामां आव्या छे कि खेडूतोना खेतरमां जई अधिकारी तात्कालिक सर्वे करे। अने सरकार पाहे अमे मांगणी करी हती कि सर्वे में खेडूतोने विश्वास नथी, एटला माटे तात्कालिक सरकार पेकेज जाहेर करे खेडूतो माटे, कारण के अतिवृष्टि जेवी स्थिति छे। वनराज चौहान साथे अशोक बारोट, जीटीवी न्यूज़, जूनागढ़।